हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले ही अवगत कराया जा चुका है कि हम लोगों ने ज्योग्राफी पीजीटी का और टीजीटी का बैच स्टार्ट किया है। साथ ही साथ अब यहां पे आपको हिस्ट्री भी अवेलेबल हो जाएगी। हिस्ट्री में आपका टीजीटी अवेलेबल है, तो आप लोग यदि सोशल साइंस में टीजीटी और ज्योग्राफी दो सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे क्लासेस उपलब्ध हैं, और ये क्लासेस आपका व्हाट्सएप पे आपके प्रोवाइड कराई जाएंगी, और वहाँ पे आपको वीडियो और पीडीएफ टॉपिक टू टॉपिक वहाँ चीज़ें चलेंगी। और अभी आपने देखा कि जो नेट का आंसर की आया है, नेट का पेपर हुआ है, वहाँ पर काफ़ी जो हमारे ग्रुप से लोग जुड़े थे काफ़ी उनको बेनिफिट हुआ। और साथ ही साथ अभी रिजल्ट आएगा तो आपको पूरा एनालिसिस डाल दिया जाएगा कि कितने लोगों का नेट हुआ है ग्रुप से, कितने लोगों का जेआरएफ हुआ है, पूरी आपको क्लियर स्पष्ट रूप से वहाँ पे उनकी मार्कशीट वगैरह भी जारी कर दी जाएगी। तो हम लोग बात कर रहे हैं पीजीटी न्यू बैच की, तो ये आपका आज से स्टार्ट है। और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। जितना आपका सिलेबस दिया गया है पीजीटी का, टोटल आपका सिलेबस पे टॉपिक टू टॉपिक आपको डिटेल्ड में आपको वीडियो मिलेगा, और डिटेल्ड में आपको पीडीएफ मिलेगा। उससे ज़्यादा यदि आपको किसी भी बुक में मिलेगा तो आप बताइएगा, या किसी भी नोट्स में उससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना आपको यहाँ पे एक टॉपिक पे मिल पाएगा। जैसे मान लीजिए अभी एक बैच आपका चल रहा है 20 अक्टूबर से, और एक बैच आज से स्टार्ट हुआ है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो आपको डिटेल्ड वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसका, कि कैसे जुड़ना है, क्या क्या प्रोसेस है, फ़ीस कितनी है, और मिनिमम फीस यहाँ पर निर्धारित किया गया है। ठीक, तो पीडीएफ मिलेगा आपको, वीडियो मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी रहेगा। और यहाँ पे जैसे ही आपका एक यूनिट कंप्लीट होता है तो यूनिट पे आपका प्रैक्टिस सेट होगा, उसके बाद पूरा जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको 125 जो प्रश्न आपके आते हैं पीजीटी और टीजीटी में, तो पूरे कंप्लीट कोर्स पे रहेगा। अब जैसे कि आपका पीजीटी का जो रहता है वो 125 टोटल आता है, और टीजीटी में आपका लगभग 60 से 65 प्रश्न ज्योग्राफी के आएंगे। ठीक, तो इसमें क्या है कि 125 जो प्रश्न आएंगे वो पीजीटी स्तर के रहेंगे, यानी उसी पेपर को बेस करके बनाया जाएगा, और जो 60-65 वाला रहेगा तो इसको अलग से, जो टॉपिक उसमें अलग अलग है तो टीजीटी के लिए अलग से प्रैक्टिस आपको वहाँ पे करा दिया जाएगा। यानी कि यदि आप पीजीटी का बैच ज्वाइन करते हैं तो टीजीटी का बैच जो आपका ज्योग्राफी टीजीटी है उसके लिए, उसके साथ जो आपका वो फ्री में रहेगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें वहाँ से आपको ये मिल पाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया पूरा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे आपको मिलेगा, और पूरे टॉपिक का हैंड रिटन नोट्स रहेगा। वहाँ पे आप कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं जो आपको लगे कि हमने उसमें मेंशन नहीं किया है तो आप उसमें ऐड कर लीजिएगा, लेकिन हम आपके लिए ऐसा कोई चीज़ वहाँ पे नहीं छोड़ेंगे जो आपको एक्स्ट्रा लगेगा कि ये नहीं लिखा गया है। वहाँ पर नोट्स, वीडियो, प्रीवियस ईयर सॉल्व और प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक, व्हाट्सअप कर दीजिएगा जो लोग भी जुड़ना चाहें। क्योंकि अभी आपका जो इन्होंने यानी आयोग ने जो निर्धारित किया है कि एग्ज़ाम का जो शेड्यूल ये मान के चल रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक आपका 2021 में परीक्षाएं ये करा देंगे, इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए। और मार्च अप्रैल के पहले तक मैं आपका सिलेबस भी कम्प्लीट करके आपको रिविज़न भी करा दूँगा। ठीक, और यहाँ पे आपका जैसे परीक्षा से पहले लिखा गया सिलेबस पूरा करने की गारंटी, यदि सिलेबस नहीं पूरा होता है तो जो भी आप लोगों की फ़ी है वो वापस कर दी जाएगी। ठीक, और आपको यहाँ पे सिलेबस में जितना पॉइंट है सभी पे टॉपिक टू टॉपिक मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा ही आपको कराया जाएगा। लेकिन किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं कि जितना टॉपिक दिया गया हो सभी टॉपिक को आपको कवर करना है, सभी टॉपिक पे आपकी विशेष पकड़ होनी चाहिए, उस पर किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप देखेंगे कि जो नेट का लेवल है प्रश्न पूछने का वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल से भी एबव हो गया है अभी जो पेपर आपका हुआ है। ठीक, और पीजीटी का जो स्तर आप देखते हैं 2016 को छोड़ दिया जाए तो अब तक जितने पेपर हुए हैं सब आप 100
प्लस देखेंगे स्कोर, यानी कि 125 में 100 से ऊपर आपका मेरिट चेक गई है। लेकिन 2016 का जो पेपर का स्तर था वो काफ़ी टफ लेवल का था, काफ़ी मानक स्टैंडर्ड स्तर का था, तो उसमें इसलिए मेरिट जो आपका था वो 83 क्वेश्चन गई थी। ठीक, ये जनरल और ओबीसी की हम बात कर रहे हैं, ये रिटेन एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं हम, इंटरव्यू जिसमें आपका 50 मार्क्स का होता है। ठीक, और परीक्षा से पहले 5 प्रैक्टिस टेस्ट जो हमने आपको बोला है, और PYQ ये आपके प्रश्न पत्र जो है साल होते रहेंगे। ठीक, टेलीग्राम पे टेस्ट हो ही रहा है, आप सभी लोग देख रहे हैं। जो भी यहाँ पे नोट्स आपको मिलेगा वो मानक बुक पे आधारित होगा, यानी कि यदि आपको यहाँ पे लिखा गया कोई चीज़ एग्ज़ाम में दे दिया और यहाँ से आपने लगाया और आंसर गलत दिया है, यानी आपके जो नोट्स है उसके अलावा दिया है, तो आप लोग क्लेम भी करेंगे, तो मैं आपको जो मानक बुक है उसको बता दूंगा, और ये जो भी आपका पूरा नोट्स रहेगा ये पूरा मानक बुक पे आधारित है, इसलिए ये इस बात की यहाँ पे आपको आश्वस्त कर दिया जा रहा है कि इससे में कोई गलतियाँ, एक दो मान लीजिए माइन्यूट जो गलतियाँ होती हैं वो हो सकती हैं, क्योंकि ये आपका त्रुटि हर किसी से होती है। तो जो लोग भी बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, वहाँ डिटेल भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको एक बार सिलेबस का डिस्कशन करा देते हैं कि TGT और PGT में क्या डिफरेंस है। और एक बात और आप लोग करिएगा कि जो भी आपको यहाँ पे करना है, TGT में चूँकि BEd अनिवार्य है, PGT में BEd लगेगा नहीं, केवल आपका क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो आपको क्या करना है कि जो सिलेबस दिया गया उसको आप हाथ से लिखिएगा, क्योंकि सिलेबस जब आप हाथ से लिखते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपका वहीं से क्लियर हो जाती हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपका फिजिकल ज्योग्राफी में ये हमने खुद से लिखा आप सभी के लिए कि ये स्थलमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, ठीक, जलमंडल यानी ओशनोग्राफी हो गया, ये TGT का सिलेबस है, बायोजोग्राफी हो गया, ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, मानव अधिवास, आर्थिक भूगोल, संपूर्ण भारत का भूगोल। ठीक, अब PGT में क्या क्या है, PGT में देखिए शुरुआत में दिया है कि परिभाषा और विषय क्षेत्र, अब इन परिभाषा और विषय क्षेत्र के अंतर्गत ये दिया है कि इन लोगों के आधार पर देखना है आपको जो इसका विषय क्षेत्र है। अब देखिए यहाँ पर एक दिया है पर्यावरण कारकवाद या पारिस्थितिक तंत्र, इसको क्या है कि ये आपका एक बार यहाँ पे हो गया, एक बार आपका है इन्वायरमेंट में, अभी आप देखेंगे भौतिक भूगोल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल इसमें है। ठीक, पहले जो आपका नेट होता था, नेट का जो सिलेबस, उसमें भी आपका जैवमंडल होता था, तो इसमें आर्थिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, भारत का भूगोल, ये सभी है। अब देखिए ऑफिशियल जो है इसमें डिटेल्ड दिया है, तो इन सभी पे जितना टॉपिक है आपको टॉपिक टू टॉपिक यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होता तो पॉइंटर दिया जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि नेट का जो हमने पॉइंटर आप लोगों को प्रोवाइड कराया था उसमें से लगभग 10 से 12 प्रश्न आपके वहीं से मिले हैं और डायरेक्ट वही पूछे गए हैं, जिसमें हमने आपको 4 पॉइंटर प्रोवाइड कराया था और उसी पॉइंटर से आपको ये टोटल मिले थे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तो रिवीजन के लिए कुछ पॉइंटर बनाए जाएंगे जो आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहता है। अब यहाँ पे देखिए कि भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र में जो चीज़ें हैं भौतिक भूगोल में, वायुमंडल में, ये सभी कराया जाएगा। टेस्ट का स्तर भी हम दिखा दे रहे हैं कि टेस्ट भी कैसे आपको यहाँ पर कराया जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये टेस्ट का है, 20 अक्टूबर का जो बैच चल रहा है तो उसी बैच में ये टेस्ट आपका हो रहा है, ये थर्ड टेस्ट है। ठीक, और अब तक उसमें एक यूनिट कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें जैसे प्रश्न ये पूछा गया है, मान लीजिए कि प्रश्न दिया है कि हम्बोल्ट कहाँ का निवासी था, ऑप्शन है अमेरिका, प्रेशिया, प्रशिया और एशिया, और इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये आपका, उसके बाद आइए देखिए ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड, अभी यही किताब आपका UGC नेट की परीक्षा में पूछा गया था, हम्बोल्ट, रेडजेल, हेटनर, रेटर, भूमध्य सागरी तटीय जीव किसकी रचना है, रेडजेल को किसने प्रकृति निश्चयवादी कहा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आपकी प्रश्न यहाँ पे किस तरह से बनाए गए हैं, रेडजेल ने मानव और उनके निवास मानव और उनके विकास हेतु 3 कारणों को बताया। अब यहाँ पे देखिए 3 कौन कौन से कारण हैं ये भी आपको नोट्स में प्रोवाइड कराया गया है। अब उन 3 कारणों में जो रम होता है उसका क्या अर्थ होता है, सिचुएशन है यानी स्थिति है, स्पेस है या फिर लिमिट्स है या इनमें से कोई नहीं।
अगला है रिटर्न ने पी टुवर्ड, रिटर्न ने क्या किया था कि जो डार्विन की बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज उस पर आधार मानकर प्रजातियों का वर्गीकरण किया और अलग अलग महाद्वीपों में रहने वाली प्रजातियों को अलग अलग रंगों के आधार पर उसने डिवाइड किया। अब यहाँ पर दिया है कि पी टुवर्ड जो रंग है कलर है ये किस प्रजाति से संबंधित है और ये प्रजाति किस महाद्वीप में रहती है। तो जो पी टुवर्ड है अब यहाँ पर देखिए एशिया है, यूरोप है, अमेरिका, अफ्रीका है। मानव केंद्रित भूगोल पर किसने अधिक जोर दिया था, हम्बोल्ट ने, रिटर्न ने, रेडजेल ने या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पे देखिए एक और प्रश्न देख लीजिए कि आर्मचेयर ज्योग्राफर कौन है, पैटागोनिया की जलवायु और भूविज्ञान का वर्णन किसने किया। तो यहाँ यहीं से आपका देखिए कि इतना डिटेल में हम लोग करेंगे कि नेट भी जो लोग नेट के बैच में क्रैश कोर्स में थे उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद ये शामिल होगा। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 20वीं सदी का मेथोडोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है, ये प्रश्न यदि आप लोगों को आता होगा तो कमेंट करिएगा जितने भी प्रश्न आपको बताए गए, और ख़ास कर कुछ ऐसे प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं जो पहली बार आप सुने होंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि जो फैक्ट वाले प्रश्न पीजीटी और टीजीटी में आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसमें कई कई प्रश्न ऐसे उठाए जाते हैं कि जो कभी सुने ना हों। भूगोल एक क्षेत्र विवरण विज्ञान है या वितरण विज्ञान है, ठीक, क्षेत्र वर्णनी भी कहा जाता है। तो ये आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा और ये टीजीटी पीजीटी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसको इन्होंने कई बार दे रखा है। फ्रांस में आधुनिक वैज्ञानिक भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर ओरिजिन एंड डिस्पर्सल बुक किसकी है, ये आपका यूजीसी नेट में भी पूछा, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है, ठीक, पीजीटी टीजीटी में भी संभावना है पूछे जाने की, क्योंकि ये किसने दिया है इसको डायरेक्ट जो है आपके सिलेबस में उनका नाम मेंशन है। तो इसी तरह से आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों आप लोग जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब पहले ही आप लोग करेंगे तो आपके पास रिवीजन का काफ़ी टाइम बच जाएगा। मान लीजिए जो भी सिलेबस है आपका ये फरवरी तक कंप्लीट कर लिया जाता है तो उसके बाद क्या होगा कि आपका मार्च तक रिवीजन हो जाएगा, अप्रैल में यदि एग्ज़ाम जो होगा तो और अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, इतने प्रश्नों की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि उससे बाहर आपका नहीं जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग बात करेंगे, और कुछ लोग जैसे यदि आप बुक की बात करना चाहें कि कौन सी बुक पढ़ें, यदि आप लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो बुक भी बता दे रहा हूँ, एक एक बुक जो भी टॉपिक है सभी के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो आपका बुक है इसमें आप देखिए माजिद हुसैन सर का ले सकते हैं, ज्योग्राफिकल थाट एस डी मौर्या हैं, सुदीप्ता अधिकारी हैं, आर डी दीक्षित हैं, एच एस गर्ग हैं, ठीक, एच एस गर्ग हैं। तो इतनी किताबों में से कोई ले लीजिए या सभी ले लीजिए, क्योंकि पीजीटी में जो प्रश्न आपका कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब एक किताब लेंगे, मान लीजिए ये एक टॉपिक है, जैसे आपका होता ये है कहा जाता है कि एक किताब आप कई बार पढ़िए, ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है जब आपके प्रश्न फैक्चुअल टाइप के आते हैं तब वहाँ पे आपको कई किताबें देखना पड़ता है, क्योंकि होता क्या है कि एक किताब में सारी चीज़ें सारे जो फैक्ट्स हैं वो नहीं देते हैं। तो यहाँ पे या तो आप सभी किताबों को लीजिए या माजिद हुसैन सर का ले लीजिए, उसके बाद आपका भौतिक भूगोल जो है आप फिजिकल ज्योग्राफी सभी इन सर का ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और अपडेटेड वर्जन भी आ गया 2020-21 का, ठीक। तो उससे क्या होगा कि आपका भौतिक भूगोल के सभी टॉपिक वहाँ पे मिल जाएंगे, वायुमंडल भी उसी में होगा, जल मंडल भी उसी से हो जाएगा जितना सिलेबस में दिया है, जयमंडल भी काफ़ी चीज़ें वहीं से हो जाएंगी, ठीक। मानव भूगोल अब देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी आप या माजिद हुसैन का ले लीजिए, एस डी मौर्य का ले लीजिए, तो इससे आपका ये चीज़ें मानव भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। आर्थिक भूगोल तो आप एस डी मौर्या का आर्थिक भूगोल ले लीजिए या आप जगदीश सिंह का ले लीजिए आर्थिक भूगोल, अलका गौतम का भी आता है और एच एस गर्ग का भी आता है, कोई ले लीजिए यहाँ से, सभी में ये चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन आपको यही चीज़ें देखना है कि कई बुक से जब आप देखते हैं तो वहाँ के जो फैक्ट चीज़ें हैं उसको आप एक जगह कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद जब उसका कलेक्शन हो जाएगा
तो इसमें चूँकि जो प्रश्न आपका PGT का रहता है बहुत ज़्यादा आपका एनालिसिस लेवल का नहीं रहता, केवल फैक्ट उसमें देते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर करके चलना है कि जितने ज़्यादा फैक्ट यहाँ से आप कलेक्ट कर पाएँ। प्रादेशिक भूगोल आप SD मौर्य ले लीजिए या माजिद हुसैन का ले लीजिए, भारत का भूगोल आप RC तिवारी ले लीजिए या फिर आप जो है माजिद हुसैन सर का ले लीजिए। ठीक, तो इतनी जो किताबें हैं इससे आप पर्याप्त तैयारी कर पाएंगे जो आपका PGT के लिए हैं, या फिर जो चीज़ें मैंने बताया कि टोटल लगभग 4-5 हर एक यूनिट से 5-7 किताबों से जो आपका मानक किताबें हैं उस पर आपको नोट्स और वीडियो मिलेगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हों तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जो चल रहा है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।